हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम आज अपनी इन्वर्टर बैटरी की जो शॉप है उस वहाँ पर हैं, और आज के रेट जो है वो हम बताने वाले हैं सारी बातें। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते रहिए। अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पर इन्वर्टर की बैटरी है दोस्तों, सारी बातें बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो टेक्निकल मदार के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर, ये हमारे बाकी तो कुछ छोटे मोटे अवार्ड्स हैं, यहाँ पर इन्वर्टर हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में, आज की ये कंप्लीट वीडियो है, सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रेट हम अपनी शॉप से बेचते हैं, जो जिस रेट में हम आप कस्टमर को देते हैं उस रेट को बताएंगे हम आपको, और बहुत कम प्राइस है। सारी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। अगर हमारे पास कुछ जानकारी होती है तो हमें वो चीज़ सही रेटों पर मिलती है, और सही मिलती है जो हम लेने वाले हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्टर और बैटरी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, हम ये क्या करते हैं, हमारे पास ये माइक्रोटेक कंपनी के इन्वर्टर, माइक्रोटेक का सबसे छोटा इन्वर्टर जो है हमारे पास 800 का है, और सबसे बड़ा जो है वो 1724 वोल्ट में, 800 के बाद 900 का है हमारे पास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रेटों की बात करें तो 300 से 400 रुपए का डिफरेंस है इस इन्वर्टर में और इस इन्वर्टर में। कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 900 लिखा होगा, यहाँ पर 800 लिखा होगा, सेम सब कुछ सेम होगा। लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये उठाएगा लमसम 700 वाट और ये उठाएगा लमसम 600 वाट, अंदाज के हिसाब से 100 वाट का डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर आपकी ये इन्वर्टर धीरे धीरे मोटर चला रहा है या चलाते चलाते मोटर को बंद कर देता है तो ये इन्वर्टर चलाता ही रहेगा और जब तक बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी, ये डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जैसे कि माइक्रोटेक 800 जो इन्वर्टर है उसकी चार्जिंग जो है वो 14 से 18 एम्पियर है, और 900 वाले की जो है वो 20 से 22 एम्पियर है। ये दो डिफरेंस हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, अगर आप 200 या 240 एम्पियर की बैटरी लेते हो, लेना चाहते हो और उसके साथ में इन्वर्टर, तो आप जरूर 900 का या फिर 1100 का लेना। उसके बाद जैसे कि अमेज का ये 700 का है, ये 150 से 170 एम्पियर की बैटरी पर लगाना चाहिए और लगाते भी हैं। जैसे कि अब सबसे अच्छा एक इन्वर्टर आया है ईस्टमैन कंपनी का, इलेक्ट्रो 712 वोल्ट में डिस्प्ले है, डिस्प्ले में सारा कुछ बताता है, दिखाता है। दूसरी बात होता है क्या है, जैसे अदर कंपनी का कोई इन्वर्टर होता है तो जो 700 मॉडल है वो लोड उठाता है 520 वाट या 600 वाट या 550 वाट, लेकिन ईस्टमैन ने जो भी इन्वर्टर लॉन्च किए हैं इलेक्ट्रो 900 700 1100, ये लोड कैपेसिटी है, मतलब इसमें 10 से 12 एमएम की जो वायर लगी हुई है कॉपर की, बैटरी को अच्छे से चार्ज करती है, और बैटरी के लोड, बैटरी का जो करंट है उसको अच्छे से जो है वो एसी बनाती है और उसको अच्छे से डाउन करती है और चार्ज करती है, ये जो इसमें जो मोटी वायर लगी होती है। दूसरी बात ये है कि ये 700 मॉडल है तो 700 वाट लोड कैपेसिटी है, मतलब 700 वाट पूरा पूरा लोड आप इस पर आराम से डाल सकते हो, ये रन करेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लुमिनस के हैं, ये 700 लगभग 4000 रुपये का है, ये वाला 700 लगभग 4400 रुपये का, ये वाला 700 लगभग 4100 रुपये का, और ये वाला 900 लगभग 4500-4600 रुपये का। ये मेरी शॉप के रेट हैं, हो सकता है कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम। दोस्तों, ईस्टमैन का इन्वर्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक सही जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके पास लाइट का कनेक्शन है, स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है, तो आप ये फर्स्ट कंपनी का इन्वर्टर मेरे हिसाब से मत लेना, या फिर थोड़ी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। मैंने लगाए यहाँ पर दो इन्वर्टर जो है मैंने वापस खोल के भी वापस आए। दूसरी बात दोस्तों, ये जो है फर्स्ट का 725 24 महीने वारंटी वाला, ये 4450 रुपये हमारी शॉप पे प्राइस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए लाऊंगा और बनाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। 24 वोल्ट में सबसे अच्छा इन्वर्टर ईस्टमैन का समरसेबल चलाने के लिए, अधिक से अधिक लोड चलाने के लिए ज़्यादा पावरफुल इन्वर्टर है, 1800 इलेक्ट्रो 24 वोल्ट में, कीमत लगभग 7000 प्लस है। ओकाया की सोलर बैटरी है 75 AH की, 36 महीने रिप्लेसमेंट, कीमत लगभग 8000 रुपये प्लस है समथिंग। बाकी आप लोग बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द आप लोग साथ। जय हिंद दोस्तों, हमारा सिल्वर प्ले बटन आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद दोस्तों।